नमस्कार और एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल की उत्पत्ति का श्रेय जाता है विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी को। सहर जमान एक ऐसा अवार्ड विनिंग नाम जो पॉलिटिकल न्यूज़कास्टर और जर्नलिस्ट के रूप में हमारे सामने उभरता है। सहर जमान जिन्हें अपने डेली प्राइम टाइम शो में नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर उन्हें उठाने का श्रेय दिया जाता है। सहर जमान जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, तहलका, द संडे गार्जियन के लिए ओपिनियन कॉलम और लेख लिखे, पत्रकारिता और अपनी कला के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर कितने सारे अभियान चलाए हैं। तो आखिर कौन है ये सहर जमान, आप जानना चाहेंगे। वेल, अपार्ट फ्रॉम द अबव, सरल शब्दों में सहर जमान हिंदी फिल्मों के मशहूर प्लेबैक सिंगर तलत महमूद की ग्रैंड नीज हैं। यानी तलत महमूद जी सहर जमान की नानी जी के भाई थे। तो कहाँ हैं सहर अब, आप पूछेंगे ना। वेल, विश्व शांति दर्शन के स्टूडियोज में यहाँ हमारे साथ हैं। विश्व शांति दर्शन की ओर से सहर आपका बहुत बहुत स्वागत। जो आप हमारे से स्टूडियो में आई, मैं सभी लोगों की तरफ से आपका एक बार फिर अभिनंदन करना चाहता हूँ। यूं तो सहर आपसे चर्चा करने के लिए तमाम टॉपिक हैं, लेकिन आज का मुद्दा खास तौर पर तलत महमूद जी के ऊपर है। 9 मई 1998 को तलत महमूद जी ने इस दुनिया से विदा ली थी। उन्हें गुजरे हुए इस वर्ष 25 साल हो गए हैं और इस अवसर पर उन्हें याद करते हुए विश्व शांति दर्शन चैनल सहर जमान के साथ ये खास प्रोग्राम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। तो सहर, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन के स्टूडियोज में। और बगैर वक्त गंवाए मैं आपसे सीधे मुद्दे पर आता हूँ, क्योंकि ये 25 साल हो गए हैं इनकी एनिवर्सरी, 25 वर्ष हो जाएंगे डेथ एनिवर्सरी को इस साल तलत महमूद जी की। और आप यहाँ पर आई हैं आज राजबाग में, जो राज कपूर जी की कर्मभूमि रहा था। तो कभी राज कपूर जी के लिए तलत महमूद जी ने कभी प्लेबैक किया था? किया था तो किस फिल्म के लिए किया था? जी, ये बहुत अहम सवाल है, बिकॉज तलत महमूद की बात होती है तो उनको लगता है कि वो सिर्फ दिलीप कुमार की आवाज़ थे, उनके ट्रेजेडी किंग के फेज में थे। बट 1950s में जो असल गोल्डन एरा था, उसमें तलत महमूद वॉज द टॉप सिंगर। तो उन्होंने सबके लिए गाने गाए। द टॉप मोस्ट ट्रियो जो थे, देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर, तो यकीनन राज कपूर के लिए गाने गाए उन्होंने। कई हैं, जैसे मैं दिल हूँ एक, मैं दिल हूँ एक अरमान, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। एक और है नरगिस जी के साथ, वो है तुमको फुर्सत हो मेरी जान, इधर देख तो लो तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो, तुमको फुर्सत हो मेरी जान, तो इधर देख तो लो। तो कई गाने उनके, और आई थिंक ये जो गाने थे ये थोड़े पैपी थे, थोड़े से खुशी उनके, उनको तो हमेशा उनका एक आई वुड से टाइपकास्ट हो गया था। मगर आप उनका करियर अगर होलिस्टिकली देखिए तो हर तरीके के थे, पैपी भी थे, हैप्पी भी थे, रोमांटिक थे और गमगीन तो थे ही। पर नॉर्मली बाद में उनको जैसे कहते हैं ना कि ट्रेजेडी, जैसे दिलीप कुमार जी को ट्रेजेडी किंग कहा गया, उनको भी गजल के से लिंक करके ट्रेजेडी, तो वो उसी इमोशन में जुड़ गए। वो जैसे ट्रेजेडी किंग की आवाज बने, लाइक पीपल से कि जो दिलीप कुमार का ट्रेजेडी किंग फेस था वो तलत महमूद की आवाज के बिना इनकम्प्लीट है, बिकॉज इट वाज मूविंग टुगेदर। शाम गम की कसम, आज गमगीन हैं हम, आ भी जा आज मेरे सनम, शाम गम की कसम। जैसे जैसे टाइम बदला, देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज, डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स। गजल में एक अलग मूड था, रोमांस में अलग मूड था, फिर उनके जो नॉन फिल्म गीत थे उसमें अलग मूड था। और जैसे आपने यहाँ बैठे राजबाग में राज कपूर जी का जिक्र किया, उसमें उनके बहुत ही पेपी रोमांटिक सॉन्ग्स थे। एक जो एक्चुअली थोड़ा सा सैड है, विच इज़ एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट, मदन मोहन जी का जो म्यूजिक है, मैं पागल मेरा मनवा, मैं पागल मनवा पागल पागल मेरी। सर, ये
पढ़ा है मैंने या मुझे पता चला है, जैसे भी हो, कि जब तलत महमूद जी 14 या 15 साल के थे तब उन्हें अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों के कार्यक्रम में गाना गाने के लिए मौका मिला था। मंच पर पहुंचकर उनके सामने फरमाइश आई कि वो मिर्जा गालिब के की गजल पर कोई गीत सुनाए। गजल के बोल थे, जहां तक मुझे याद है, नुक्ता चीन है गमे दिल। और फिर वो गजल की पहली लाइन गाने के बाद शायद भूल गए, उसके बाद क्या हुआ? तो किस्सा ये था कि वो एक्चुअली स्टूडेंट थे। अच्छा। वो मिंटो सर्कल स्कूल जो है, जो आजकल CTS के नाम से, इट इज़ पार्ट ऑफ द अलीगढ़ कैंपस ओनली, इट्स अ मिंटो सर्कल स्कूल एंड इट्स इनसाइड द अलीगढ़ कैंपस। सो ही वाज अ स्टूडेंट एंड हॉस्टलर देयर, ही वुड स्टडी एंड स्टे देयर, और वीकेंड में वो अपने घर लखनऊ वापस आते थे और बाकी हफ्ता वहाँ पे। तो स्कूल की पढ़ाई उनकी वहीं थी, वो स्टूडेंट थे स्कूल के, सो दिस वाज हिज ओन स्कूल फंक्शन। एंड सबको पता था कि इनको उर्दू पोइट्री वगैरह का बहुत शौक़ है, बहुत फॉलो करते हैं। उस वक्त का माहौल ही यही था, घर में बहुत ज़्यादा उर्दू पोइट्री फॉलो की जाती थी, घर में मुशायरे, महफिल, ये सब भी उनके फूफी के घर बहुत लोग बुलाए जाते थे, माने हुए गायक, माने हुए शायर उन दिनों के बुलाए जाते थे। तो एवरीवन न्यू के हमारा ये जो क्लासमेट है तलत, ये बहुत फॉलो करता है और गालिब का तो बहुत ही दीवाना है, गालिब और साइगल। तो फिर उनको अपने ही स्कूल के स्टेज में बुलाया गया कि अब तलत तुम गाओ, गालिब भाई तुम बात करते रहते हो हमेशा, अब तुम गाओ। तो दैट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, बिकॉज ही वॉज अ यंग बॉय, ही एक्चुअली फेस्ड स्टेज फ्राइट। So that stage fright, that became a very traumatic experience for him, because it was an impressionable age, 14-15 साल जैसे आपने बोला। तो वो गए स्टेज पे, एक दो लाइन गाई और नर्वस होके वो भूल गए अगला, और वो अपने फेवरेट पोएट का शेर कैसे भूल गए, दैट वॉज सो मच प्रेशर कि कैसे भूल गए। तो फिर वो रोते रोते उतर गए स्टेज से, और फिर घर में जाके बताया कि भाई ऐसा हुआ। तो फिर उनकी फूफी ने समझाया, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त लो, टाइम लगेगा, मगर डोंट गिव अप। तो हाँ, तो ये किस्सा था कि तो आप बार बार फूफी का जिक्र कर रही हैं, और ये भी मैंने कहीं देखा था या पढ़ा था कि आई थिंक उनके फादर बहुत ज्यादा कीन नहीं थे कि वो एक म्यूजिक में या इसमें इंटरेस्ट लें। वो रेगुलर जैसे होता है कि हमारे दौर में भी था, लड़का इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ करे, उस जमाने फिल्म में से बहुत ज्यादा उनको वो थे नहीं। तो हाउ डिड ही मैनेज टू कम आउट ऑफ इट, और वेदर फादर लेटर ऑन एग्री किया कि नहीं, फूफी की वजह से हुआ सब कुछ? मोरल बूस्टिंग और सपोर्ट तो फूफी का ही था actually. So to put this in perspective for your viewers, कि हम लोग 1930 की बात कर रहे हैं, 1924 में उनकी पैदाइश हुई, तो 25-26 1930 तक की उस वक्त की बात कर रहे हैं। तो घर का जो माहौल था, इट वॉज़ वेरी कल्चरली इंगेज्ड। जैसे मैंने बोला, घर में मुशायरे होते थे, माने हुए गायक और शायर बुलाए जाते थे, शाम की आंगन में महफिल होती थी, घर के अंदर होती थी। तो उस तरीके का इनकरेजमेंट था कि आप यू एक्सपोज योर सेल्फ टू द बेस्ट ऑफ आर्ट्स, बट कीप इट एज एन एंगेजमेंट, प्रोफेशनली आप मत लीजिए। तो उनके जो वालिद साहब थे, मंजूर महमूद, वो खुद बहुत पढ़े लिखे थे, उर्दू लिटरेचर में बहुत पढ़े लिखे थे, मौसीकी का उनको बहुत शौक़ था। बट एक लाइन खींच दी जाती थी कि जब तक शौक़ रहे ठीक है, प्रोफेशनली आप बाजार में बाहर जाके गा के उससे कमाइए मत। दैट वॉज द लाइन दैट हैड टू बी ड्रॉन। तो उनकी जो फूफी थी, जिनका नाम महलका बेगम था, तो वो एक बहुत ही फायरी ट्रेल ब्लेजर, जिसको बोला जाता है, इनक्रेडिबली लिबरेटेड वुमेन फॉर हर टाइम, अहेड ऑफ हर टाइम्स। वो बुरका नहीं करती थी, सेग्रीगेशन में पर्दा सिस्टम नहीं मानती थी। सारी घर की लड़कियों को बोला कि ये सब घर की पढ़ाई नहीं होगी, बाहर स्कूल जाके पढ़ाओ, लड़कियों को बुरके से निकाल के स्कूल जाके पढ़ाओ। तो शी वॉज अ ट्रेल ब्लेजर ऑफ हर टाइम्स, एंड शी यूज़ टू राइट एज वेल, एंड शी हैड ऑल ऑफ दीज फ्रेंड्स फ्रॉम द कल्चराटी, द लिटराटी एंड ऑल। तो उन्होंने कंटिन्यूसली धीरे धीरे पीछे से इनक्रेज किया, और उनकी पैदाइश भी फूफी के ही घर होती थी। एक अजीब सा सिस्टम था उस टाइम का कि जो घर के लड़के होते थे वो फूफियों के घर पलते थे। पास में ही रहते थे, लखनऊ में ही थे, तो उनकी पैदाइश फूफी के घर हुई और वो पीछे से इनकरेज करती रहती थी। इस हद तक उनका इनकरेजमेंट था कि उनके गुजरने के बाद भी वो फूफी का नाम लेते लेते ही अपने वालिद साहब को बोलते रहे कि नहीं, आप फूफी की बात मानिए, देखिए। वो इमोशनल ब्लैकमेल उनके नाम का चलता था। तो सही माने में, वाकई में, कि वालिद साहब ये समझते थे कि आप प्रोफेशनली मत लीजिए,
और फूफी के ही सपोर्ट से वो आगे बढ़ते गए। उनकी शुरुआत देखा जाए तो फिल्म कैरियर से हुई थी ऐसा मुझे पता है, यानी एक्टिंग से, क्योंकि वो काफी हैंडसम भी थे। बल्कि यहां तक भी हुआ था कि कुछ डायरेक्टर्स ने तो उनके ऊपर सॉन्ग भी रिकॉर्ड कर लिए थे जो बाद में पिक्चराइज होने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली फिर वो गाने किसी और हीरोज पर और जो टॉप एक्टर्स उन पर पिक्चराइज हुए। मतलब उन्होंने एक्टिंग करियर परसू क्यों नहीं किया? तो एक्टिंग तो एक्चुअली बाद में हुआ, पहले तो वो इट वाज ऑलवेज वांटिंग टू बी अ सिंगर, ही वाज, तो वो अलग से एक पूरा इन द गोल्डन एरा फिर एक पूरा एक कॉन्टेस्ट हुआ था फॉर तलत महमूद डेब्यू फिल्म, एक कॉन्टेस्ट हुआ दैट हु विल बी हिज को एक्ट हिज हीरोइन, तो पूरा इट वाज लाइक अ कॉन्टेस्ट, एंट्री कॉन्टेस्ट कि सब ने अपनी एंट्री दी टू बी सूटेबल टू बी तलत महमूद हीरोइन, उस टाइप का हुआ था। बट दैट वाज मच लेटर इन हिज करियर, 1953 में उनकी डेब्यू बिल आई थी एज अ प्रॉपर फिल्म प्रोडक्शन। शुरुआत उनकी रेडियो लखनऊ में हुई एज अ गायक। अच्छा जी, रेडियो लखनऊ में वो गाते थे या जी लाइट म्यूजिक? इट वॉज़ गज़ल, लाइट म्यूज़िक, मिर्ज़ा गालिब गाते थे, मीर तकी मीर गाते थे, तो सब शायर के वो गज़ल गाते थे। सो एज अ वॉइस ही वॉज रिकग्नाइज ऑन द रेडियो, एनी वे रेडियो लखनऊ। फिर उनको डिस्कवर किया गया क्योंकि वो भाटखंडे स्कूल में म्यूज़िक पढ़ रहे थे, तो कैंपस में काफ़ी रिकॉर्ड लेबल्स आते थे, फिर HMV ने उनको डिस्कवर किया, कुछ गज़लें उन्होंने शुरुआत की गज़लें HMV के लिए गाई। और उसी दौरान पंकज मलिक साहब जो थे, जो बहुत ही पायनियरिंग थे फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, बट उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री कलकत्ता में थी और वो न्यू थिएटर्स के बोर्ड मेंबर थे, और तो फिर प्रोफेशनल सिंगिंग में उनसे बूस्ट आया थ्रू पंकज मलिक। ही वॉज साइंड अप ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर न्यू थिएटर्स इन कैलकटा, देन ही सैंग हिज गज़ल्स, बट पंकज मलिक ने बोला अब तुम कलकत्ता आए गए तो तुम बंगाली में भी गाओ। तो एक इट वॉज अनएक्सपेक्टेड थिंग क्योंकि ये उर्दू के कनॉइसर थे, उर्दू के शेर गाते थे, फिर उनको बंगाली शुरू से सीखनी पड़ी। बट ऐसे उन्होंने गाए कि उन्होंने बिल्कुल अपना दिल बसा के रख दिया लोगों के अंदर, यू नो, तपन कुमार के नाम वो बंगाली म्यूजिक गाते थे। राते रो बासुरे दोसुरो होए काईशे। तो न्यू थिएटर्स में क्योंकि उस वक्त ये था कि जो गायक है वो अपना स्क्रीन प्ले भी, वो अपना स्क्रीन ऑन कैमरा लिप सिंक भी करे, तो कुछ एक दो फिल्म्स उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए ऑन स्क्रीन भी की थी। बट आई वुड से लाइक अ फर्स्ट बिग बैंग बॉलीवुड प्रोडक्शन जो बोला जाए वो तो फिफ्थ। उस वक्त की कोई प्रथा थी क्योंकि देखिए दिलीप साहब भी यूसुफ नाम था, उन्होंने दिलीप कुमार रखा। हाँ। तो प्लेबैक सिंगर को भी मतलब ये रहता था कि अपना नाम बदल के रखे कुछ ऐसा नाम जो कि मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ठीक हो रादर देना। हाँ, तो पंकज मलिक साहब का यही सजेशन था या कि यहाँ पे अगर तुम बंगाली गाने गा रहे हो तो तुम तपन कुमार के नाम गाओ, सो इट विल बी मोर एक्सेप्टेबल। या तो वो ऐसा उन्होंने डिस्टिंक्शन रखा कि वो अपनी उर्दू गज़लें तलत महमूद के नाम गाते थे, फिर बॉम्बे में भी उन्होंने तलत महमूद ही अपना मेंटेन किया, बट बंगाली वो तपन कुमार के नाम गाते थे। और वो ये भी आई वुड लाइक टू ऐड कि ये भी इंटरेस्टिंग था कि वो अपने वालिद साहब से छुप के गा सकते थे क्योंकि तपन कुमार ही वुड नॉट लुक एट द रिकॉर्ड। हाँ, तो उनकी और उनकी जो बहन थी लैला उनका नाम था, वो मेरी नानी थी। अच्छा। तो मेरी नानी के भाई हैं तलत महमूद, मेरे मामू नाना है वो। तो वो उनकी कॉमरेड इन क्राइसिस, यू नो, ऑलवेज हेल्पिंग ब्रिजिंग द गैप बिटवीन फादर एंड सन। तो वो स्लिप इन करती थी रिकॉर्ड, तो उन्होंने अपने वालिद साहब से बोली देखिए ये लड़का आया तपन कुमार बहुत अच्छा गाता है आप रिकॉर्ड सुनिए। तो उन्होंने सुना कि बेवकूफ़ लड़की तुम सोचती हो मैं अपने बेटे की आवाज़ नहीं पहचानूंगा, उसका दिमाग खराब हो गया, वो उर्दू छोड़ के बंगाली गा रहा है, एक तो कमर्शियली गा रहा है और फिर उर्दू छोड़ के बंगाली गा रहा है। तो यही सब किस्से है जो मैं एक चीज और भी देखिए मैंने सर ऑब्जर्व की है कि रफ़ी साहब को अपने इनको किशोर जी को किशोर कुमार को और लोगों को आपको इनका इमिटेट करने वाले लोग मिल जाएंगे काफ़ी हैं, लेकिन तलत जी को इमिटेट करने के लिए मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा जो सक्सेसफुल रहा हो जिसकी दुकान चल पड़ी हो साहब तलत महमूद जी के नाम पर, उसका रीज़न क्या है? आई थिंक उसका रीज़न यही था जो उनका विब्राटो था, जो जो वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स जो थे वो
बहुत ही ज्यादा यूनिक रहे, वो इस हद तक यूनिक रहे कि अभी तक कोई नहीं आ पाया। इसलिए मखमली कहते हैं उनकी वॉइस को आज भी। जी मखमली एंड जो विब्राटो जो वाइब्रेशन था एक्चुअली उसको इमिटेट करना बहुत मुश्किल है, दैट इज समथिंग दैट और बड़ी सुकून वाली एक आवाज है जिसे कहते हैं उसको सुन के आपको, मैं तो कई लोगों सुना रात में सोने से पहले लगा के तलत जी को और सो गए तो बड़ा सुकून मिलता है। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इनफैक्ट मैंने जब ये एक ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट उनके नाम शुरू किया था 2017 से जिसका नाम जश्न तलत है, सेलिब्रेशन ऑफ तलत, तो उसमें मेरा यही एम था कि हम लोग यंगस्टर्स को लाएं। भाई इस्टेब्लिश आर्टिस्ट तो उनको जानते हैं, उनका एक नाम है, बट आजकल के जो यंगस्टर्स हैं 18 से 25, 20, 25, 30 साल के जो यंगस्टर्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। सो व्हाट वी डिड वाज वी वेंट टू कॉलेजेस इन दिल्ली कॉलेजेस एंड वी डिड सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स ऑफ तलत महमूद। कंडीशन यही थी कि आप सिर्फ तलत महमूद गा सकते हैं और आप अगर ये कॉम्पिटिशन जीतेंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, तो आपको मेन कॉन्सर्ट में इस्टेब्लिश सिंगर्स के साथ आप शेयर स्टेज एंड पार्टिसिपेट। तो जब कॉलेज स्टूडेंट्स ने गाया, फिर हमने उनका फीडबैक लिया, तो उनका भी यही कहना था, वन वुड थिंक कि जेनरेशन है रिलेट नहीं करेगा यू नो, बट उनके भी यही रिस्पॉन्स आए कि हमने इतना सुकून कभी सुना नहीं यू नो। ये म्यूजिक तो था ही इनक्रेडिबल गोल्डन एरा का, बट वो आवाज से जो सुकून मिलता है, हाँ वही मैंने कहा, वो उनका भी इस जेनरेशन का भी यही कहना था। सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी आंसू भी छलकते आ।